डायोड एंड ट्रांजिस्टर, ये दोनों स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास देखें जरा, तीन तरह के एलिमेंट्स होते हैं। मेटल्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो मेटल्स वो होते हैं जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो करती है, इसके अक्रॉस हम पोटेंशियल लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, और इसमें करंट फ्लो करता है। इंसुलेटर्स वो हैं जिसमें हम कोई भी पोटेंशियल लगाएं तो भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और हमारे सेमीकंडक्टर्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लो वोल्टेज पे ऑपरेट करते हैं, इसलिए ये हमारे लिए बहुत एडवांटेजियस हैं क्योंकि इसमें पावर कंजम्पशन बहुत कम होता है। तो हम देखें, अगर हम इसे कंडक्टर बैंड और वैलेंस बैंड इनके बेसिस पे समझें, तो ये कैसे होता है देखें जरा। ये मेटल्स में ये हमारा वैलेंस बैंड है, और ये हमारा कंडक्शन बैंड है। तो मेटल्स के केस में ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, या तो इनके बीच में गैप बहुत कम होता है या ये मोस्टली तो ओवरलैप करते हैं, मेटल्स के केस में ओवरलैप करते हैं, और इसलिए कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। देखें इंसुलेटर में क्या होता है, ये हमारा कंडक्शन बैंड है, ये हमारा वैलेंस बैंड है, और इनके बीच में ये डिस्टेंस है, ये हमारा एनर्जी गैप है। एनर्जी गैप, और ये एनर्जी गैप थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, यानी यहां से किसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ मूव करने के लिए, कंडक्शन बैंड में मूव करने के लिए इतनी एनर्जी ओवरकम करनी है, ये थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जनरली ज्यादा होता है। तो रूम टेम्परेचर पर इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता, इसमें इंसुलेटर्स में, क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है। और सेमीकंडक्टर्स के केस में देखें तो ये एनर्जी गैप स्मॉल हो जाता है। सेमी कंडक्टर्स, इसमें हमारा कंडक्शन बैंड,
ये हमारा वैलेंस बैंड है, और ये जो बीच में ये हमारा एनर्जी गैप है, और ये एनर्जी गैप जनरली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। तो हमारे सेमीकंडक्टर्स जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो दोनों के लिए ही देखें ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। तो जब हम इस पे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, जैसे ही हम इसको किसी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ मूव कर जाते हैं, इसको ओवरकम कर लेते हैं, तो ये इजिली इसमें करंट या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है सेमीकंडक्टर्स में। अब हमारे पास दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक कंडक्टर जिसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, और दूसरे होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो ये इंट्रिंसिक है, यहाँ पे हम इसके बारे में बहुत ब्रीफली पढ़ेंगे, मैं जल्दी डायोड पे जाऊंगा। दूसरे हमारे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऐसे सेमीकंडक्टर हैं जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स। नंबर ऑफ होल्स यानी जो इलेक्ट्रॉन अपनी पोजिशन छोड़ देता है, वहाँ वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, उस वैकेंसी को हम होल कहते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल्स ये दोनों इक्वल हैं, इसको हम एनआई भी बोलते हैं, यानी नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्जेस। तो नेगेटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन्स और ये होल्स दोनों की संख्या इक्वल होती है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स ये हमारे फर्दर दो टाइप के होते हैं, पी टाइप एंड एन टाइप। ये जो इंट्रिंसिक है ये प्योर सेमीकंडक्टर है, इसमें हम इम्प्योरिटी को की डोपिंग कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं इम्प्योरिटी। तो हमें दो तरह के सेमीकंडक्टर मिल सकते हैं, एन टाइप एंड पी टाइप। एन टाइप के लिए जैसे आपने पढ़ा होगा जो पेंटावेलेंट कंपाउंड है उसके साथ डोपिंग कर देते हैं जिसकी वैलेंसी 5 है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स वो ज्यादा हो जाते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ होल कैरियर्स। इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें हमारे एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच लार्जर देन नंबर ऑफ होल्स, उसे हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। और पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें हम ट्राईवेलेंट लेते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, इसमें हम लेते हैं पेंटावेलेंट डोपिंग, तो ये आपने ऑलरेडी सब किया है, ये थोड़ा मैं इसलिए फास्ट चल रहा हूँ, बाकी ये थ्योरेटिकल है, आपके नोट्स हैं उससे आप एक बार रिवाइज करेंगे एकदम फास्ट समझ में आएगा। तो जो बेसिक्स हैं उनको मैं जल्दी जल्दी कवर करके फिर सर्किट पे जाऊंगा। तो पेंटावेलेंट एलिमेंट के साथ डोपिंग अगर करते हैं तो हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलते हैं। इसी तरह पी टाइप में है नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होते हैं, इसमें हम ट्राईवेलेंट कंपाउंड या ट्राईवेलेंट एलिमेंट से डोपिंग करते हैं। डोपिंग मतलब इम्प्योरिटी मिलाना, और इम्प्योरिटी मिलाने से इनकी कंडक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है, इसलिए हम इम्प्योरिटी मिक्स कर देते हैं। प्योर की इम्प्योर जो प्योर से कंडक्टर्स हैं उनकी कंडक्टिविटी स्मॉल होती है, तो इनकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए यानी हमारी यूजफुलनेस बढ़ाने के लिए हम ऐसा करते हैं। और इन दोनों के लिए एक रूल और लगता है जो कभी कभी न्यूमेरिकल्स में काम आएगा,
एनई और एनएच इनका मल्टीप्लिकेशन एनआई स्क्वायर के इक्वल होता है। तो कभी कभी अगर हमें इसमें से कोई एक मिसिंग होगा, बाकी दो क्वांटिटीज गिवन होंगी, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक है। सेमीकंडक्टर हमारे पास पी टाइप और एन टाइप के होते हैं, और पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर मिला के हमें पीएन जंक्शन डायोड मिलता है। तो पहले यहां तक देखें, यहां तक किसी को कोई डिफिकल्टी है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो मैं आगे चलता हूं। मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूं। और इससे हमें पीएन जंक्शन डायोड पी टाइप और एन टाइप, इनको मिलाकर हम पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड है, ये हमारा पॉजिटिव साइड और ये है नेगेटिव साइड, ये पॉजिटिव इधर ये नेगेटिव। ऐसे हम पीएन जंक्शन डायोड पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को मिलाकर हम जंक्शन डायोड बनाते हैं। तो इसमें सिंगल क्रिस्टल लेते हैं, उसमें सिलिकॉन या जर्मेनियम, जर्मेनियम को लेके उसमें इस तरह से डोपिंग करते हैं कि आधा पोर्शन उसका पी टाइप हो और आधा पोर्शन उसका एन टाइप हो, उसे हम पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। और इसको हम दो तरह से यूज करेंगे, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस क्या होगा पीएन जंक्शन का, वो देखते हैं। पोटेंशियल एंड करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इसको हम दो तरह से देखेंगे, एक फॉरवर्ड बायस में और एक रिवर्स बायस में। तो बेसिकली फॉरवर्ड बायस में क्या करेंगे हम, जो जो पीएन जंक्शन है इसका पी वाला टर्मिनल पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट करेंगे और एन टाइप नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे सेल के। तो इसका सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये हमारा वोल्ट मीटर है, ये हमारा डायोड है, ये हमारा रेजिस्टेट होता है,
पहले सर्किट समझते हैं फिर देखते हैं। और ये हमारा मिली एमीटर है, मिली एमीटर, तो क्योंकि इसमें जो करंट आएगा इस मिली एमीटर में वो वेरी वेरी स्मॉल मिली एम्पियर में होगा, मिली एम्पियर में। ये रेजिस्टेंट लगा रखा है और ये हमारा, तो यहाँ देखें ये पॉजिटिव टर्मिनल गया, ये प्लस, यहाँ से ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, ये वाला पॉइंट नेगेटिव है, ये नेगेटिव यहाँ कनेक्ट हुआ नेगेटिव प्लेट के साथ और इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हुआ पॉजिटिव प्लेट के साथ। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमने ये वोल्ट मीटर लगाया है पैरेलल में, और जो भी करंट इसके अंदर से फ्लो के ऐसे वापस आएगा करंट मेजर करने के लिए हमने सीरीज में मिली एम्पियर के लिए मिली एमीटर ऐड किया। अब हम यहाँ से स्विच क्लोज करते हैं और यहाँ से जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसको धीरे धीरे इसके क्रॉस इंक्रीज करते हैं तो हमें एक ग्राफ मिलेगा। अप्रॉक्सीमेट हमें ऐसा ग्राफ मिलता है, यहाँ पे हमने पोटेंशियल लगा रखा है वोल्ट्स में और ये हमारा करंट है आई मिली एम्पियर में। यहाँ से ये कट इन वोल्टेज यानी वो कुछ वोल्टेज तक जीरो करंट मिलेगा फिर करंट इंक्रीज हुआ, और ऐसे ये ग्राफ देखेंगे हमारा कर्व की फॉर्म में थोड़े कुछ स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता हुआ लगभग, और ये कर्व रहेगा। तो इसमें अगर हम डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालते हैं तो डायनेमिक रेजिस्टेंस ये हमारा पोटेंशियल में डिफरेंस है डेल्टा वी, और ये वर्टिकल ये हमारा करंट में डिफरेंस है। तो हम जिस पोर्शन में भी रेजिस्टेंस निकालना हो इसलिए इसका नाम डायनेमिक रेजिस्टेंस होगा और वो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा ही हमें डायनेमिक रेजिस्टेंस देगा। तो इस अलग अलग पोर्शन में अलग अलग रेजिस्टेंस आएगा। तो फॉरवर्ड बायसिंग में हमें ऐसा ग्राफ मिलता है, जैसे जैसे हम पोटेंशियल इंक्रीज करते आते हैं ये करंट फिर तेजी से इंक्रीज होने लगता है, और हम ये वोल्टेज जनरली लो वोल्ट रखते हैं 2-3 वोल्ट, सिलिकॉन के लिए हम जनरली 3 वोल्ट से कम रखते हैं, मैक्सिमम 3 वोल्ट। तो जो भी हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं उनको हम लो वोल्टेज पे ऑपरेट करते हैं और यही हमारा एडवांटेज है कि पावर कंजम्पशन बहुत कम होती है, जिसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। तो एक बार देखें फिर मैं रिवर्स बायस पे आ रहा हूँ, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी हो तो आप पूछ सकते हैं। सर ये ग्राफ दोबारा बता दीजिएगा। हाँ ये ग्राफ फिर से देखते हैं। पहले हमने ऐसा सर्किट ऐसा लगाया कि ये जो पी टाइप है पी जंक्शन ये पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर देंगे और नेगेटिव पॉइंट नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर देंगे, और यहाँ से हम ये रेजिस्टेंस चेंज करके इसके अक्रॉस पोटेंशियल वोल्ट मीटर से रीडिंग लेंगे, पोटेंशियल इंक्रीज करते जाते हैं तो हमें करंट के लिए ये ग्राफ मिलेगा। इनिशियली जीरो करंट है फिर यहाँ पे ये नी वोल्टेज आती है, नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज, तो ये सिलिकॉन के लिए ये कट इन वोल्टेज है
सिलिकॉन के लिए ये 0.7 वोल्ट होती है, और जर्मेनियम के लिए ये ऑलमोस्ट 0.2 वोल्ट होती है, यानी जर्मेनियम में कम वोल्टेज होती है। ये 0.7 से जब ज़्यादा हो जाएगी वोल्टेज तो ये करंट एकदम से अप्रिशिएबली इंक्रीज होने लगेगा, और हमें ऐसा ये कर्व टाइप का ग्राफ मिलता है। तो ये कुछ पोर्शन इसका स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन ये ऑलमोस्ट कर्व रहेगा धीरे धीरे, और इसमें इसलिए हर जगह इसका स्लोप वेरिएबल होगा। तो जहाँ भी हमें रेजिस्टेंस निकालना है वहाँ पे डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालते हैं, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन चेंज इन करंट। तो इस पोर्शन का अगर हमने यहाँ पे लिया तो इस वाले पोर्शन का ये डायनेमिक रेजिस्टेंस होगा, जहाँ भी निकालना है वहाँ का डायनेमिक रेजिस्टेंस हम इससे फाइंड कर सकते हैं। इसको हम फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। ठीक है, तो यस सर। अब मैं इसे शिफ्ट कर रहा हूँ, अब हम जा रहे हैं रिवर्स बायसिंग में, और आप लोगों ने चेक कर लिया ट्रांजिस्टर है ना आपके सिलेबस में नीट में। नहीं चेक किया, कोई बात नहीं, ट्रांजिस्टर भी कर लेंगे हम, क्योंकि जब सेमीकंडक्टर आ रहे हैं तो ट्रांजिस्टर भी जनरली रहते हैं। सेकंड में ले रहा हूँ रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसी का नाम रिवर्स बायस या फॉरवर्ड बायस है। ये जो हम टाइप ऑफ कनेक्शन बनाते हैं इसका नाम हमने रिवर्स बायस, बायस यानी थोड़ा झुकाव जिसे कहते हैं, झुक जाना। तो रिवर्स बायस मतलब हम रिवर्स की तरफ इसकी नेचर है, रिवर्स करंट फ्लो कर रहा है। फॉरवर्ड बायस मतलब हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में, पी टू एन डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, वो फॉरवर्ड बायस कहलाता है। और ये रिवर्स बायस, इसमें ओपोजिट होगा इसका। पहले मैं सर्किट बना दूं आपको, ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड है, अभी मैं एक बार सर्किट बना दूं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये मेरा प्लस माइनस टर्मिनल, ये स्विच है, और इसमें करंट बहुत कम फ्लो होता है क्योंकि रिवर्स बायस है। इसलिए इसमें हम माइक्रो एमीटर लगाते हैं, यानी करंट जो भी होगा वो माइक्रो एम्पियर, वेरी वेरी स्मॉल करंट इसमें फ्लो होगा, माइक्रो एम्पियर, इसलिए माइक्रो एमीटर लगाते हैं इसके अक्रॉस। ये हमारा वोल्ट मीटर है, तो इसमें भी हम ऐसे करने वाले हैं। यहाँ पे से ये रेजिस्टेड लगा हुआ है हमारा पोटेंशियोमीटर का, ये रेजिस्टेड है, इससे हम रेजिस्टेंस वेरी करके इस पीएन जंक्शन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस है, जैसे जैसे यहाँ से चेंज करके हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इंक्रीज करते हैं।
हमें एक टाइप का ग्राफ मिलेगा तो यहाँ पे हमने वोल्टेज यूज किए और इधर हमने करंट लिया है माइक्रो एम्पियर में, माइक्रो एम्पियर यानी 10⁻⁶ एम्पियर्स में। और ये जो पोटेंशियल है ये सब माइनस में लगाएंगे हम, नेगेटिव पोटेंशियल है। इसको हम रिवर्स बायस कहेंगे। जैसे जैसे हम पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पर रिवर्स बायस में, ये करंट की वैल्यू स्लोली इंक्रीज होती है, हालांकि वो बहुत कम होती है रिवर्स बायस में। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि रिवर्स बायस में जो हमारे माइनॉरिटी कैरियर्स हैं वो फ्लो करेंगे। यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है तो इसमें माइनॉरिटी कैरियर्स फ्लो करते हैं, उसकी वजह से ये रिवर्स करंट होता है। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से इसकी वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल होगी। और जैसे जैसे हम निगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे, एक टाइम आएगा जब ये करंट तेजी से इंक्रीज होता है, जिसे हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो यहाँ ब्रेकडाउन हो जाता है और यहाँ करंट तेजी से इंक्रीज हो जाता है। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ, ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है। तो हमें इसमें ये ध्यान रखना है, एक तो हमें रिवर्स बायस क्या होता है ये देखना है। पी को नेगेटिव टर्मिनल से, एन को, ये पी और ये एन है, एन वाले जंक्शन को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें तो इसमें स्मॉल करंट फ्लो होता है, एक तो हमें ये मालूम है। इसलिए ये नेगेटिव एक्सिस पे लिया हमने, ये पोटेंशियल नेगेटिव है और करंट इसमें माइक्रो एम्पियर में फ्लो करता है और ये बहुत स्मॉल करंट होता है, इसलिए रिवर्स बायस में, जिसे हम प्रैक्टिकली जीरो करंट भी कह सकते हैं, मतलब माइक्रो एम्पियर में तो हम जनरली आइडियल केस में तो हम इसे जीरो करंट ही ले लेंगे कई क्वेश्चंस में, अभी आगे देखेंगे। तो हमें इसके बेसिकली ग्राफ याद रखने, बाद में भी न्यूमेरिकल में कैसे यूज करेंगे वो अभी मैं इसके कुछ क्वेश्चन लूंगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा हमें। तो फॉरवर्ड बायस में करंट मिली एम्पियर में और रिवर्स बायस में करंट माइक्रो एम्पियर में फ्लो होता है, ऐसे हमारा ये डायोड वर्क करता है। यहां तक कोई डिफिकल्टी है तो आप पूछ सकते हैं। सर ब्रेकडाउन वोल्टेज के बारे में। ब्रेकडाउन वोल्टेज वो वोल्टेज है जिस पर ये करंट तेजी से इंक्रीज होता है, इसके जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेकडाउन हो जाते हैं, इसके कोवलेंट बॉन्ड्स, तो इसकी वजह से यहाँ तेजी से करंट इंक्रीज होता है, उसको हम ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। ऐसा नेगेटिव वोल्टेज जिस पे करंट शार्पली इंक्रीज होता है उसे ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। अगर मैंने ये जो दोनों करेक्टरिस्टिक्स हैं इनको मिला दें तो देखें जरा हमें कैसा ग्राफ मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली। तो ये वाई एक्सिस पे हमारा करंट है, ये मिली एम्पियर में और ये हम लेंगे माइक्रो एम्पियर में करंट नीचे। तो यहाँ पर वी पॉजिटिव यानी फॉरवर्ड बायस, और यहाँ पर वी नेगेटिव यानी रिवर्स बायस।
तो पॉजिटिव साइड में करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ ऐसा शेप का होगा, और नेगेटिव साइड में ये थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होकर फिर ये ऐसे ब्रेक डाउन हो जाता है, तो ग्राफ हमारा ऐसा आएगा और ये ब्रेक डाउन वोल्टेज है। तो इससे हमें ये आइडिया है, हमें ये मालूम है कैसी वोल्टेज लगाने से हमें कैसी वैल्यू मिलेगी। तो अकॉर्डिंगली जैसा हम करंट चाहते हैं सर्किट में उस तरह से यूज करते हैं, फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस। और जंक्शन डायोड को हम दो तरह से ज़्यादा यूज करते हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव रेक्टिफायर। तो पहले यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अब मैं आगे देख रहा हूँ, लेता हूँ इसको कैसे ये वर्क करता है हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर में। और यहाँ पे एक डायनेमिक रेजिस्टेंस था, अगर हम इस जोन में ले मान लो तो ये हमारा डेल्टा वी और वर्टिकल एक्सिस पे डेल्टा आई है। इस वाले जोन के लिए डायनेमिक रेजिस्टेंस इसीलिए इसका नाम है क्योंकि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, हर जोन में अलग अलग आएगा। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई फाइंड कर लेंगे तो हमें इस जोन का डायनेमिक रेजिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। तो क्वेश्चन में जैसा पूछा गया उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज करने वाले हैं। तो अब देख रहे हैं हम ये हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। तो बेसिकली ये ट्रांसफार्मर है, हमने यहाँ एसी इनपुट लगाया, यहाँ पे हमने ये डायोड लगाया और ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है। ये हमारी प्राइमरी कॉइल और ये हमारी सेकेंडरी कॉइल है, ये ट्रांसफार्मर है हमारे पास। ये इससे हम क्या करते हैं, एसी जो करंट होता है हमारा, एसी इनपुट है, एसी करंट हमारा दोनों डायरेक्शन में फ्लो करता है, पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल दोनों साइकिल होती है। इससे हम एक ही डायरेक्शन में करंट लेते हैं, उसे हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं, रेक्टिफायर। और हाफ वेव इसलिए कि हाफ वेव मिलती है हमें, तो अगर हम यहाँ पर इनपुट लगाएं इस पॉइंट पर
ये हमारा इनपुट एसी है, ये हमारा टाइम है। तो हमें ये इनपुट ए पर, इस एसी का इनपुट प्राइमरी से सेकेंडरी कॉइल में इसकी वोल्टेज कम हो गई। यहाँ अगर नंबर ऑफ कॉइल्स कम है तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ये लो वोल्टेज में कन्वर्ट हो गया और ये हमने इनपुट लगाया है। तो जब ये पॉजिटिव होगा, ये फर्स्ट हाफ साइकिल इसके लिए ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव और ये नीचे वाला नेगेटिव। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, तो इसके अंदर से ये करंट फ्लो होगा। नेक्स्ट हाफ साइकिल जब ये वाली साइकिल आएगी, ये पोर्शन, तो उसमें ए नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव यानी ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, तो ये रिवर्स बायस में हो जाता है। तो रिवर्स बायस में नेग्लिजिबल करंट मिलता है हमें, यानी कोई करंट फ्लो नहीं होता, बेसिकली प्रैक्टिकली नो करंट। तो देखें हमें कैसा आउटपुट मिलेगा। तो जो हमें पॉजिटिव पॉजिटिव वाला साइकिल है खाली, उसमें हमें आउटपुट मिलेगा यहाँ पर। तो ये वोल्टेज अक्रॉस इस लोड रेजिस्टेंस, आरएल मतलब लोड रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे हमें मिला ये, यहाँ पे फिर हमें जीरो मिलेगा इसमें नेगेटिव साइकिल में, ऐसा हमें मिलता जाएगा अल्टरनेट, इसमें जीरो इसमें फिर मिल जाएगा यहाँ। तो यानी एक तो हमारे खाली पॉजिटिव साइकिल मिल रही है, यानी करंट की डायरेक्शन इस सर्किट में ओनली वन डायरेक्शन हो गई। जब ये पॉजिटिव होगा तभी करंट फ्लो होगा, तो रिवर्स डायरेक्शन करंट नहीं है, इसको हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। रेक्टिफायर का मतलब करंट की डायरेक्शन हमने, यहाँ पे एसी की दो डायरेक्शन थी उसको हमने सिंगल डायरेक्शन में कन्वर्ट कर दिया। और हाफ वेव का मतलब इसमें से हाफ वेव हमें मिलेगी, हाफ वेव नहीं मिलेगी, इसका नाम हाफ वेव रेक्टिफायर है। इसी तरह इसका यूज फुल वेव रेक्टिफायर की तरह भी करते हैं। तो पहले यहां तक देखो, यहां तक आपको समझ में आया? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अब मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं, और जंक्शन डायोड डायोड को देखें कैसे ये फुल वेव रेक्टिफायर में वर्क करेगा। ये एसी इनपुट हुआ यहाँ पर,
ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है, तो इसमें हमने ये दो डायोड लिए, यहाँ पे सेंटर पे कनेक्ट कर देते हैं और ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है, तो सर्किट को स्लाइटली चेंज कर देते हैं। और ये प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल, तो यहाँ भी ऐसी है, एसी इनपुट लगाया हमने यहाँ पर, इससे हमें ये आउटपुट मिला यहाँ, और एसी की दो साइकिल होंगी। यहाँ पे वोल्टेज एट ए, ये ए पॉइंट पर है, जो भी हमारी वेव फॉर्म ए पॉइंट पर है, और इससे हमें आउटपुट मिलेगा। तो देखें कैसे वर्क करेगा, जब ए पॉजिटिव होगा फर्स्ट इस साइकिल के लिए, तब ये डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस हो गया और ये रिवर्स बायस, तो हमारा करंट ऐसे आएगा इस रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस के थ्रू इसमें से पास होकर ऐसे रिटर्न हो जाएगा, तो हमें आउटपुट यहाँ मिल गया, इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिल गया रेजिस्टेंस के अक्रॉस। अब जब सेकेंड हाफ साइकिल लेंगे, ये नेगेटिव साइकिल, तो ये बी पॉजिटिव ए नेगेटिव, ये वाला फॉरवर्ड बायस होगा, ये रिवर्स बायस होगा, तो करंट यहाँ से फ्लो किया इसके अंदर, करंट की डायरेक्शन सेम रही, तो इसलिए रेक्टिफिकेशन हो गया। रेक्टिफिकेशन का मतलब है डीसी में कन्वर्ट करना, यानी करंट यूनी डायरेक्शनल बनाना, एक डायरेक्शन में ले जाना, और अब हमें यहाँ भी आउटपुट मिलेगा। तो सेकेंड हाफ में ये वाला फॉरवर्ड बायस, और फर्स्ट साइकिल के लिए, पॉजिटिव साइकिल के लिए, ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस था, तो हमें हर केस में इसमें से आउटपुट मिलता रहेगा, इसलिए इसका नाम फुल वेव रेक्टिफायर है। तो ऐसे हम इसको फुल वेव रेक्टिफायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब मैं आगे चलूंगा इसके आगे, पहले यहां तक देख लें, आपको कोई डिफिकल्टी है तो पूछ सकते हैं। यहां तक कोई डाउट है आपको? ये मैंने यहाँ बनाया, एक मिनट, इसको मैं पहले पूरा कर दूँ इधर। यहाँ भी हमें आउटपुट मिलेगा, और यहाँ भी हमें आउटपुट मिल जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे जेनर डाउट पे जा रहा हूँ।
तो जेनर डायोड एक स्पेशल टाइप का डायोड होता है जिसको आप रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट करते हैं। इसको हम ऑलवेज रिवर्स बायस में यूज करते हैं और इसमें इसमें हम डोपिंग इस तरह से करते हैं, डोपिंग कंसंट्रेशन पी और एन में हम ऐसे चेंज करते हैं जिससे कि हम डिप्लीशन लेयर जो होती है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के मिलने से जो लेयर बनती है उसको हम चेंज कर देते हैं और ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह वर्क करता है। यानी ये कांस्टेंट पोटेंशियल पे काम करता है जनरेटर डायोड। ये जेनर डायोड इसका नोटेशन हम ऐसे बनाते हैं और देखें जरा इसको हम कैसे इसकी वर्किंग कैसे होती है एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये जेनर डायोड है यहाँ पे अनरेगुलेटेड यानी वेरिएबल वोल्टेज होती है और ये जेनर डायोड और ये हमारा लोड रेजिस्टेंस और यहाँ जो हमें मिलेगी वो हमें कांस्टेंट वोल्टेज उसी को हम रेगुलेटेड वोल्टेज कहते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज है। तो देखें कैसे काम करेगा, जब हम यहाँ पे ये वेरिएबल वोल्टेज जो भी हमने ये ली है जो वेरिएबल वोल्टेज है यहाँ पे इनपुट लगा देते हैं तो जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होगी यहाँ से करंट फ्लो किया इसमें कोई करंट नहीं जाता, इसका करंट 0 हो जाता है और वो करंट इसमें से पास हो जाता है। ये जनर डायोड करंट है, जब वोल्टेज लो है, लो वोल्टेज में करंट यहां से गया इसके अक्रॉस, ये तभी वर्क करेगा जब इसके अक्रॉस जनर वोल्टेज अप्लाई होगी, कम से कम इतनी वोल्ट अप्लाई होनी चाहिए तभी इसमें से करंट फ्लो करेगा। तो जब तक वोल्टेज इसके जो रेगुलेटेड वोल्टेज से कम होगी इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो करंट यहाँ से आया सीधे इसमें चला गया तो जो भी हमारा इनपुट था सीधे हमें आउटपुट यहाँ पे मिल गया। जब इसकी वैल्यू वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा होती है तो जो करंट इसमें फ्लो होगा आई इंटू आर उसका पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ हो जाएगा, इसके क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा एक्स्ट्रा, जो भी यहाँ वोल्टेज हाई वोल्टेज होगी इस रेगुलेटेड वोल्टेज ये जो जनरल वोल्टेज है वी जेड इस वोल्टेज से ज्यादा अगर हम यहाँ वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इससे एक्स्ट्रा वोल्टेज यहाँ पर उसका ड्रॉप हो जाता है। तो वी हमारी है आई आर प्लस वी जेड, वी जेड वाला पोर्शन इसके क्रॉस होगा और आई इंटू आर रेजिस्टेंस हम ऐसा चूज करते हैं कि वो एक्स्ट्रा वोल्टेज इसमें उसका वोल्टेज ड्रॉप हो गया तो अगेन हमें कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगी और सेम वोल्टेज हमें हमारे ये जो लोड है इसके क्रॉस मिलेगी। तो इस तरह से हमें कांस्टेंट वोल्टेज मिलती है। तो जेनर डायोड का यूज़ हम कांस्टेंट वोल्टेज फाइंड करने के लिए या वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए
इसका यूज करते हैं। यहां तक कोई डिफिकल्टी है तो आप बोल सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के डायोड्स हैं, फोटो डायोड, फिर एलईडी है हमारा, लाइट एमिटिंग डायोड, सोलर सेल्स हैं, ये सब डायोड के यूज हैं। तो डायोड फोटो डायोड की तरह काम करेगा, एलईडी की तरह काम करता है, सोलर सेल्स की तरह इसका यूज करते हैं। फोटो डायोड यानी ऐसा डायोड जब लाइट फॉल होती है डायोड के ऊपर तो वो स्विच ऑन ऑफ होता है, तो इसको एज ए स्विच हम वर्क करते हैं। तो ये सब थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको आपको लर्न कर लेना है फोटो डायोड। तो ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको आपको लर्न करना है, इसके ग्राफ लर्न करने हैं। एलईडी ऐसा लाइट एमिटिंग डायोड, इसमें जब प्रोटॉन और इसमें होल्स एंड इलेक्ट्रॉन जब दोनों कंबाइंड होते हैं तो उनसे ऐसी वेवलेंथ निकलती है जो कि डिफरेंट अलग अलग जोन में होती है। तो अगर हमें ग्रीन कलर की लाइट एलईडी चाहिए तो हम वेवलेंथ ऐसी रखते हैं कि उससे जो फोटोन एमिट होगा इसमें होल्स एंड इलेक्ट्रॉन इनके रिकॉम्बिनेशन से फोटोन एमिट होते हैं, और उस फोटोन से जो लाइट एमिट होगी उसकी वेवलेंथ अगर ग्रीन जोन में हमें चाहिए तो ग्रीन एलईडी मिलेगा। जिस भी कलर का एलईडी चाहिए उस जोन में उसकी वेवलेंथ हम ऐसे डिजाइन करते हैं कि वो वेवलेंथ हो फोटोन की, तो इससे हमें डिफरेंट कलर के एलईडी मिलेंगे। और इसी तरह एक यूज ये है कि हम डायोड में एनर्जी स्टोर कर लेते हैं सोलर सेल्स। तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको आप लोग खुद स्टडी कर लेंगे, कोई डिफिकल्टी होगी तो मैं आपसे फिर डिस्कस करूंगा। अब मैं इसके थोड़े से न्यूमेरिकल लेने जा रहा हूँ, डायोड के ऊपर कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। यहाँ तक हमने जो भी किया इसमें अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। स्टूडेंट समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई डिफिकल्टी यहाँ तक? मैं इसमें थोड़े न्यूमेरिकल्स ले लूँ, उसके बाद ट्रांजिस्टर पे चलेंगे। देखें इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए पहले मैं एक सर्किट ले रहा हूँ,
ये 10 ओम रेजिस्टेंस है और ये 20 ओम रेजिस्टेंस है। ये हमारे दो डायोड हैं। ए और बी के बीच हम एक बैटरी अटैच कर सकते हैं। ये बैटरी ऑफ 2 वोल्ट मे बी कनेक्टेड अक्रॉस ए एंड बी, ए और बी पॉइंट के क्रॉस। तो हमें इसमें बताना है फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ इज कनेक्टेड टू द पॉइंट ए एंड टू द पॉइंट बी। दो केस हैं इसमें और गिवन है आइडियल डायोड लेने। आइडियल डायोड का मतलब है जब फॉरवर्ड बायस हो तो जीरो रेजिस्टेंस लेंगे और जब रिवर्स बायस हो तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लेंगे। तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लेंगे। तो फर्स्ट केस में देखें हमने ए को पॉइंट वन 0.1 इज एब्सोल्युटली राइट, तो ए को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, बी को नेगेटिव से, तो ये रिवर्स बायस हो गया, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, तो इसको हम ओपन सर्किट मान लेंगे। इस ब्रांच को तो करंट यहां से इसमें जाएगा खाली, तो इसलिए फर्स्ट केस में सेकंड का सर 0.2 फर्स्ट का कितना बताया था? पॉइंट वन पहला नहीं, उल्टा बोल दिया मेरे ख्याल से। पहला पॉइंट 0.2 आएगा ना फर्स्ट केस में, करंट इसमें से पास होगा तो 10 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। ओके सर ओके हाँ, तो जो करंट आई आया बड़ा आसान है, ये इसीलिए क्वेश्चन दिया है कि हमें डरना नहीं एग्जाम में, इसके क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ 2 वोल्ट लगाया हमने, ये वाला रिवर्स बायस हुआ, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, फर्स्ट केस में करंट ऊपर से आएगा, तो इसलिए 2/10। तो फर्स्ट केस में 0.2 एम्पियर और इसी तरह सेकेंड केस में करंट इसको पॉजिटिव लिया हमने, तो ये वाला फॉरवर्ड बायस, ये रिवर्स बायस, इसमें से करंट नहीं जाएगा। अब 20 ओम वाला रेजिस्टेंस ऑपरेट करेगा और डायोड का रेजिस्टेंस 0 गिवन है क्योंकि आइडियल डायोड है। तो 0.1 एम्पियर करंट मिलेगा। तो देखें आप लोग, एकदम आसान क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी नहीं। यहां तक बोले, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आगे और क्वेश्चन दे रहा हूं। एक और स्टूडेंट्स, आसान है,
किसी को डाउट है यहाँ तक? मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमें आइडियल डायोड लेना है। क्वेश्चन नंबर टू, इसमें मैं फिगर बना रहा हूँ, फिर आप लोग बताएंगे मुझे। ये 20 ओम है, ये हमारा 2 वोल्ट है, ये D1 और ये D2 दोनों आइडियल डायोड हैं। तो इस केस में करंट देखें, यहाँ से जाएगा करंट, ये फॉरवर्ड बायस, ये भी फॉरवर्ड बायस, क्योंकि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, और इसके लिए भी पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्टेड है, तो दोनों फॉरवर्ड बायस, करंट यहाँ से फ्लो के ऐसे वापस आएगा। तो इसलिए करंट कितना होगा? 0.1 एम्पियर। अब अगर मैं इसमें से एक डायोड को चेंज कर देता हूं, सेम क्वेश्चन है, जीरो तो अब इसमें क्या होगा? हाँ, ये फॉरवर्ड बायस, लेकिन ये रिवर्स बायस, तो ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देगा, तो यहां से सर्किट ओपन हो गया, इसलिए नो करंट विल फ्लो। तो ऐसे आसान क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन और ले लेता हूं। ये मिलियमीटर लगा हुआ है हमारा, और इसमें जो सप्लाई है वो हमें गिवन है 3 वोल्ट, एंड 100 मिली एम्पियर बैटरी है, 100 मिली एम्पियर बैटरी लगी है इसमें। और डायोड हमारा दिया है सिलिकॉन का है, और इसके लिए नी वोल्टेज के बने 0.7 वोल्ट।
एंड करंट ऑफ 20 मिली एम्पियर पासेस थ्रू डायोड, डायोड से जो करंट है वो हमें दिया है 20 मिली एम्पियर। तो हमें ये फाइंड करना है वॉटेज क्या होगी रजिस्टर एंड डायोड की, यानी कितने वॉट एनर्जी यूज हो रही है रजिस्टर में और कितना डायोड में। फाइंड वॉटेज ऑफ द रजिस्टर एंड द डायोड। पहले आप लोग ट्राई कर रहे हैं, फिर हेल्प मिलती है आप लोगों को। तो बताना है आप में से किसी को, इसमें डायोड की नी वोल्टेज 0.7 वोल्ट है, मतलब 3 वोल्ट में से 0.7 वोल्ट ड्रॉप इसके क्रॉस होगा। तो ये जो रजिस्टर है इसको नॉट वैल्यू गिवन नहीं है, इसको मैं आर एस ले लेता हूँ। इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो 3 माइनस 0.7, पोटेंशियल ड्रॉप 3 माइनस 0.7 यानी 2.3 वोल्ट, और इसलिए करंट हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है करंट इन सर्किट। ट्वेंटी मिली एम्पियर इसलिए वोल्टेज अक्रॉस आर 2 R, यानी R रेजिस्टेंस में कितनी पावर यूज हो रही है वो हम निकालेंगे V into I से। पोटेंशियल डिफरेंस है 2.3 और करंट है हमारा ये 20 into 0.046 वॉट। और अब वोल्टेज ऑफ डायोड अगेन V into I, पोटेंशियल डिफरेंस है 0.7 वोल्ट, जो नी वोल्टेज है उतना ही ड्रॉप होता है डायोड के अक्रॉस, और करंट है हमारा सेम गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में। तो 0.014 वॉट, तो इतने वॉट एनर्जी डायोड के अक्रॉस यूज होगी और रेजिस्टेंस के अक्रॉस 0.046 वॉट। तो गिवन क्वेश्चन को हम ऐसे कर लेंगे, जैसा भी टाइप का क्वेश्चन होगा ऐसा कर लेंगे। देखें आप लोग एक बार, फिर मैं ट्रांजिस्टर पे आ रहा हूँ अब।
यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक मैं आगे जा रहा हूँ। ठीक है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ तक। जंक्शन ट्रांजिस्टर। दो तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या लेंगे हम? दो एन टाइप क्रिस्टल लेंगे, थिकर क्रिस्टल्स, और वन पी टाइप रिलेटिवली थिनर क्रिस्टल। नैरो क्रिस्टल तो दो एन टाइप और उसके बीच में हम एक पी टाइप क्रिस्टल ले लेते हैं, तो हमें इनसे मिलाकर एक एनपीएन ट्रांजिस्टर मिल जाता है। और इस ये कैसे वर्क करता है, ये पहले इसके नोटेशन देखें हम कैसे बनाने वाले हैं इसे। ये एन पी एन है, यानी ये एन, ये वाला है पी और ये वाला एन। तो इसमें बेसिकली थ्री टर्मिनल होते हैं, बेस, ये हमारा कलेक्टर, ये हमारा एमिटर। इसमें जो बीच वाला है ये थिन, इसकी थिकनेस थिन होती है, ऐसे हम बनाते हैं इसमें। तो ये पी टू एन करंट जो फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, तो ये एरो की डायरेक्शन, तो इससे हमें पता लगता है ये एनपीएन है, ये वाला पी है, इसलिए पी टू एन ऐसे करंट जाएगा मीटर में, ये बेस में और ये कलेक्टर में, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसी तरह दूसरे टाइप का ट्रांजिस्टर है हमारे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर। इसमें हम दो थिक क्रिस्टल पी टाइप के लेंगे, उसमें थिन क्रिस्टल एन टाइप का लेंगे। पी टाइप एन टाइप पी टाइप। ये हमारा एमिटर, ये हमारा कलेक्टर।
हमारा ये था बी और ये है एन, तो इसलिए करंट कैसे आएगा, बी टू एन, इसलिए एरो इसमें इधर लगेगा, पी एन पी। तो ऐसे हम आइडेंटिफाई करेंगे ये पी एन पी है या एन पी एन है। तो जब करंट यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये एन पी एन ट्रांजिस्टर, ये पी एन पी, और हर एक ट्रांजिस्टर के अंदर हमारे थ्री एलिमेंट्स होंगे, एमीटर, बेस, कलेक्टर। टोटल करंट हमारा एमीटर से फ्लो करता है और वो बेस करंट और कलेक्टर करंट इनके सम के इक्वल होता है। तो हर क्वेश्चन में एमीटर करंट इज समेशन ऑफ बेस करंट एंड कलेक्टर करंट, ये क्वेश्चन हमें ऑलवेज याद रखनी है। और क्योंकि ये बेस करंट हमने थिन लिया है इसलिए आई बी, ये करंट कंपेयर टू आई सी वेरी वेरी स्मॉल होता है, तो ये 1 या 2% होगा, मैक्सिमम 5%। ये 95 से 99% ऑफ टोटल करंट आई सी होगा और ये 100% एमीटर करंट होगा। मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ इसको, आई सी हमारे पास कलेक्टर करंट है। इसमें हमारे पास कई कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें से हमारे कोर्स में कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है, वो मैं भी आगे बनाने वाला हूँ। पहले यहाँ तक देखें, यहाँ तक ये सब आपको समझ में आया, इतना याद रखना है हमें। तो हम इसको बहुत ही सिंपल वे में करने वाले हैं जिससे कि हमें ज़्यादा डिफिकल्टी ना आए। स्टूडेंट्स यहाँ तक ठीक है, ऑल ओके okay। अब ये ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके लिए मैं पहले सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ।
तो एक बार मैं सर्किट बना दूं पहले, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये। ये मेरा माइक्रो एम्पियर में अमीटर है, ये V1 वोल्ट मीटर है, ये कलेक्टर, ये बेस, और ये वाला टर्मिनल जो है ये एमीटर है, और ये मैंने NPN ट्रांजिस्टर लिया है क्योंकि यही हमारे कोर्स में है, NPN ट्रांजिस्टर। ये बी बी की तरफ जा रहा है ये बेस करंट, ये कलेक्टर की तरफ जा रहा है ये कलेक्टर करंट, और ये यहाँ से बेस करंट आया, यहाँ से कलेक्टर करंट आया, ये दोनों मिलकर टोटल ये एमिटर करंट फ्लो कर रहा है। ये मेरा वोल्ट मीटर है, और यहाँ पे ये मेरा मिली एमीटर है क्योंकि कलेक्टर करंट ज्यादा होती है। ये मेरा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये मेरा रेजिस्टेंस, ये 1 और ये 2 और ये कलेक्टर के क्रॉस मैंने पोटेंशियल लगाया है। तो देखें, ये देखने में थोड़ा टफ लग रहा है लेकिन इतना टफ नहीं है। कैसे, यहाँ देखें NPN ट्रांजिस्टर है, N बीच में P और ये N, इसलिए पॉजिटिव से नेगेटिव, इसलिए ये एरो बन रहा है। एक ये कॉमन एमिटर हम स्टडी कर रहे हैं, कॉमन एमिटर का मतलब है ये इनपुट सर्किट है और ये वाला आउटपुट सर्किट है, दोनों में एमिटर हमारा कॉमन है इसलिए कॉमन एमिटर नाम है। तो हमें एक सीरीज के अंदर अमीटर लगाना है और पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाना है, और ये हमारा वोल्टेज जो इनपुट वोल्टेज है उसको चेंज करने के लिए हमने ये वोल्टेज के साथ रेजिस्टेंस यूज किया, जिससे कि हम यहाँ वोल्टेज चेंज कर सकें इनपुट वोल्टेज। तो यहाँ पे ये जो वोल्टेज मिलेगी, ये जो हम अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज इनपुट वोल्टेज, इसको हम बेस टू एमीटर, क्योंकि ये बेस है और ये एमीटर है, बेस और एमीटर के बीच की वोल्टेज भी बोलते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो वोल्टेज है ये कलेक्टर और ये एमीटर, इसको हम कलेक्टर एमीटर वोल्टेज बोलते हैं। तो जो इनपुट सर्किट होता है वो फॉरवर्ड बायस होता है और आउटपुट सर्किट उसको हम जनरली रिवर्स बायस में ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये पी है हमारा NPN, तो पी को हमने यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया, पी को पॉजिटिव और ये एन को नेगेटिव, इसका ये नेगेटिव कनेक्टेड है तो ये फॉरवर्ड बायस हुआ। इसलिए यहाँ पे देखें कलेक्टर ये नेगेटिव है, NPN ये नेगेटिव है, और इस नेगेटिव को हमने यहाँ पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया है, ये पॉजिटिव कनेक्टेड है नेगेटिव के साथ, तो इसलिए ये कलेक्टर वाला सर्किट रिवर्स बायस है। तो इसको हमेशा रिवर्स बायस में लगाना है, इसको फॉरवर्ड बायस में लगाना है। ये इनपुट वोल्टेज है, ये मीटर वोल्ट मीटर, ऐसे यहाँ पे ये वोल्ट मीटर है मीटर, और ये कलेक्टर सर्किट में हमने ये वोल्टेज लगाई और इसको रेगुलेट करके हम कलेक्टर है मीटर के बीच में इस वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉमन है मीटर करेक्टरिस्टिक्स स्टडी करनी है अभी हमें, पहले हम इसका सर्किट देख रहे हैं। यहाँ तक पहले एक बार सर्किट देखो, इसमें कोई डिफिकल्टी है तो मुझे बताओ, फिर मैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स ग्राफ नीचे बनाऊंगा और आपसे डिस्कस करूंगा।
स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी है तो अभी पूछ लो, नहीं तो आगे ये आपको और डिफिकल्ट लगने लगेगा। कोई क्वेश्चन है आपको, कुछ डाउट पूछना है, आगे चलूं मैं? स्टूडेंट्स, आपको ये टफ तो नहीं लग रहा? टफ लग रहा है तो बताओ मुझे, कोई डिफिकल्टी है तो बताओ मुझे। समझ में आ रहा है? मैं इसको आगे शिफ्ट कर रहा हूं। अब देखें, हमारे पास दो तरह के करंट गेन होते हैं। एक को हम बोलते हैं एसी, करंट गेन अल्फा, और ये अल्फा इज डिफाइंड एज चेंज इन करेक्ट कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन एमिटर करंट। कलेक्टर और बेस के बीच में जो वोल्टेज है उसे हम कांस्टेंट रखते हैं। तो आईसी डेल्टा मतलब चेंज, चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन एमिटर करंट, उसे हम एसी करंट गेन अल्फा कहते हैं। तो अल्फा की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होती है। क्यों? क्योंकि आई मैक्सिमम करंट है और आईसी इसका 98% या 99% होगा, तो अल्फा की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 आएगी। और इसी तरह एसी करंट गेन बीटा ये फॉर्मूले इसमें बहुत ज्यादा हैं, वो सब फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। तो बीटा इज डिफाइंड एज चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन बेस करंट, और ये कॉमन एमिटर के लिए होता है, इसलिए वी सी ई कलेक्टर एमिटर के बीच में जो वोल्टेज होती है उसे हम कांस्टेंट रखते हैं। अल्फा की वैल्यू जनरली 0.952 0.99 होती है, और बीटा हमारा 20 से 100 के बीच में वैरी करता है, 20 to 100। तो इसकी वैल्यू, बीटा की वैल्यू लार्ज क्यों होती है? क्योंकि हमने अभी पढ़ा था बेस करंट हमारा वेरी वेरी स्मॉल है, कलेक्टर करंट के कंपैरिजन में बेस करंट 1 to 3% ऐसे बहुत कम होता है, तो इसलिए इनका रेशियो बहुत लार्ज होगा। तो बीटा की वैल्यू 20 से 100 के बीच में और अल्फा की वैल्यू 1 से कम होती है, 0.95 से 0.99 के बीच में होती है। स्टूडेंट्स, कोई डाउट है यहाँ तक आप लोगों को? और अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन है
जरा वो कैसे निकालते हैं। अभी हमने पढ़ा था एमिटर करंट है, बेस करंट एंड कलेक्टर करंट, इनके सम के बराबर एमिटर करंट होती है। तो इसलिए अगर स्मॉल चेंजेस के लिए हम इसे लिख सकते हैं, चेंज इन आईई, तो ये सेम इक्वेशन सब स्मॉल में चेंज हो जाएगी। डेल्टा ए, डेल्टा ए बी, डेल्टा ए सी, सब में डेल्टा हमने यूज कर दिया, यानी इसमें स्मॉल चेंज वो बराबर होगा इसमें स्मॉल चेंज प्लस इसमें स्मॉल चेंज के। मैं इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ। और अब मैं दोनों साइड को डेल्टा आई सी से डिवाइड कर रहा हूँ। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, और ये आ गया वन। और ये मेरा बाई डेफिनेशन अभी मैंने देखा था, ये किसके बराबर है, 1/अल्फा के। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, ये बीटा का रेसिप्रोकल है, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, ये बीटा होता है। इसलिए अगर मैं इससे कैलकुलेट करूं, 1/अल्फा 1+ बीटा अपॉन बीटा, और अल्फा को मैं लिख सकता हूं और यहां से अगर मैं बीटा फाइंड करूं, तो वैसे लिखो 1/अल्फा इज 1+ बीटा अपॉन बीटा, इसको मैं लिख सकता हूं 1/बीटा प्लस 1 और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/अल्फा -1 इक्वल टू 1/बीटा, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 -अल्फा/अल्फा, और यहाँ से मेरे पास बीटा आ गया। तो इसके ऊपर डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं, बीटा के बने तो हम अल्फा ऐसे निकालेंगे और अल्फा के बने तो बीटा इस फॉर्मूले से निकालेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूले आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, हम उसे इसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग देखो, एक एक मिनट देखो इसको, फिर मैं आगे चलता हूँ। और कोई डिफिकल्टी है तो अभी बोलो। सर एक बार ही सर्किट फिर से समझा दीजिए। हाँ हाँ, मैं सर्किट पे फिर से आ रहा हूँ, एक बार ये नोट कर लो, फिर सर्किट पे फिर से आ रहा हूँ। देखो भाई, करना तो है ही हमें, ये तो इससे डरना नहीं है। सर्किट हमें थोड़ा सा शुरू में हमें परेशान करेगा, क्योंकि वो बड़ा सा सर्किट है, पर उस थोड़ी कुछ चीजें ध्यान रखेंगे। अभी मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा तो हमें आसान लगेगा। तो और आप लोग मुझे बताएं, अभी 5 मिनट में आप लोगों के लेना चाहता हूँ। आप लोगों के दो सेक्शन है ये, है ना, ड्रॉपर में C1 C2, तो इसमें किसी का AC तो नहीं बाकी है किसी का। अच्छा, स्टूडेंट्स, AC या EM वेव में से किसी का कुछ बाकी तो नहीं है क्या? यस सर, बाकी EMI एसी ईएमआई सब। नहीं, EM वेव
मुझे हाँ, ईएम वेव भी, ईएमआई भी और एसी भी। ईएमआई भी पूरा पूरा बाकी है। यस सर, यस सर, बाकी है सर। अच्छा, C2 वाला का बाकी है, C2। C2 वालों का बाकी है, तो वो मैं एक बार सर से डिस्कस कर लूंगा, वेंकट सर से भी और आगे और सर से, भरत सर से भी। तो जैसा कहेंगे उसके हिसाब से आगे आपके जो भी टॉपिक्स बचे हैं उनकी क्लास भी रख देंगे। तो पहले यहाँ तक देखें, ट्रांजिस्टर आगे कराऊं ना मैं आपको, मन तो है करने का। पहले मैं सर्किट एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, एक मिनट, ये क्या कर दिया मैंने। ये सर्किट एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, देखिए। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, ये हमने इनपुट सर्किट कहलाता है। इधर वो लेफ्ट वाला इनपुट सर्किट है और राइट वाला आउटपुट सर्किट है। तो जो भी इनपुट सर्किट है इसमें यहाँ पे देखेंगे, ये पी है और ये एन है, क्योंकि ये एन पी एन है। तो ये एन हमारा, ये वाला पी और ये एन, तो पॉजिटिव से नेगेटिव ये एरो भी बन रहा है। तो इसलिए हमें ऐसे इसको फॉरवर्ड बायस रखना है। तो यानी ये जो पॉइंट है पी, इसको हमें यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। इसलिए मैंने यहाँ पे ये बैटरी ली और ये रजिस्टर डिस्प्ले लिया है, जिससे कि मैं इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक ये पोटेंशियल को, मैं बेस और एमीटर के बीच का पोटेंशियल है इसको वेरी कर सकूँ। तो इसलिए हम एक बैटरी के साथ रजिस्टर लगा देंगे। ऐसे कलेक्टर सर्किट में भी ऐसे करना है। ये बैटरी ली हमने और उसके साथ रेजिस्टेंस लगा दिया। अब ये कलेक्टर हमारा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो कलेक्टर के हिसाब से देखेंगे, कलेक्टर क्योंकि नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे, जिससे ये कलेक्टर हमारा रिवर्स बायस हो जाए। तो यहाँ पे पॉजिटिव रखेंगे या नेगेटिव रखेंगे और इसके साथ ये रेजिस्टेंस लगा देंगे हम, रेजिस्टेंस। और इस रेजिस्टेंस लगाने से ये वोल्टेज करंट, ये कलेक्टर और एमीटर के बीच की वोल्टेज हम इस रेजिस्टेंस, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है क्योंकि ये रेजिस्टेड है, तो इसको चेंज करके ये वोल्टेज चेंज कर देंगे। और वोल्टेज मेजर करने के लिए हमने वोल्ट मीटर लगा दिया, जो कि इस सर्किट के पैरेलल में, और इस सर्किट के सीरीज में हमने ये मीटर लगा दिया। आईसी करंट लार्ज होती है इसलिए मिली एमीटर लगाए, और जो बेस करंट है वो स्मॉल होती है इसलिए यहाँ पे माइक्रो एम्पियर मीटर लगा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ये बेस करंट है तो बेस करंट वेरी वेरी स्मॉल होगी, इसलिए यहाँ पे माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर है और यहाँ मिली एमीटर है, ये ध्यान रखेंगे। तो हमें ये, हमने रिवर्स बायस कर दिया, ये फॉरवर्ड बायस कर दिया। अभी तक हमने इतना ही स्टडी किया था, और इसके अलावा हमने दो तरह के ये करंट गेन देखे हैं, अल्फा एंड बीटा। तो इनकी जो वैल्यू है इनके फॉर्मूले याद रखेंगे, और अल्फा बीटा में रिलेशन है वो मैंने नीचे ड्राइव किया है आपको, तो डेरिवेशन याद रहता है ठीक है, नहीं रहता तो भी आप ये डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखेंगे। तो अब मैं इसके बेसिस पर फर्दर इसकी इनपुट करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बताइए मुझे पहले। इनपुट करेक्टरिस्टिक्स, हमारा जो अभी हमने सर्किट बनाया था वही सर्किट हमें यूज करना है। पहले मैं ग्राफ बना दूं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो यहां पर हम बेस करंट लेने वाले हैं, आई बी बेस करंट,
और यहाँ पे मैं बेस एमिटर यानी इनपुट वोल्टेज ले रहा हूँ, बेस एमिटर वोल्टेज। ये मैं ऐसे ही वैल्यू दे रहा हूँ इसको, मान लो ये 4 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, ये बेस करंट है। और ये बेस टू एमीटर वोल्टेज है। तो जो हमारा कलेक्टर सर्किट था, राइट वाला जो सर्किट था, उसमें हम VCE एक बार में कलेक्टर एमीटर के बीच में वोल्टेज फिक्स कर देंगे। मान लें हमने 4 वोल्ट फिक्स कर दी, और इनपुट सर्किट में जो वोल्टेज है, इनपुट वाली वोल्टेज, ये वो है इनपुट सर्किट की, इस वोल्टेज को हम धीरे धीरे इंक्रीज करें, तो हमें ये ऐसा टाइप का ग्राफ मिलेगा करंट और वोल्टेज में। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पी एन जंक्शन डायोड, ये डायोड की तरह बिहेव कर रहा है। पी एन जंक्शन यानी बेस से लेकर ये ऐसा था, ये हमारा बेस है और ये हमारा एमीटर था। यहाँ बेस और एमीटर के बीच में जो हमने वोल्टेज लगाई है, बेस और एमीटर, ये पी है, ये वाला एन है और ये वाला एन है, एन पी एन। तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसको हमने फॉरवर्ड बायस किया है, तो ये पी एन जंक्शन डायोड की तरह बिहेव करेगा, ये पी टू एन। इसलिए ये डायोड की जो फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स हमने अभी स्टडी की थी करंट और वोल्टेज के बीच में, तो इसलिए हमें ये ऐसे सिमिलर ग्राफ मिलेंगे। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, आई बी करंट हमारा इंक्रीज होता जाएगा। अगर हमने कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, जो इधर आउटपुट वाला सर्किट है वो कलेक्टर एमिटर वोल्टेज है इधर वाला, ये जो वोल्टेज है ये कलेक्टर एमिटर वोल्टेज है, और यहाँ जो वोल्टेज है ये मेरा वी बी ई है। अब देखो बहुत ही सिंपल हो गया डायग्राम, तो ये वाली मैं फिक्स कर देता हूँ, इस वाले को मैं वेरिएबल रखता हूँ, और इससे मैं ये जो भी बेस करंट है, बेस में जा रहा था, ये आई बी है, यहाँ मेरा मीटर लगा हुआ है, तो उस मीटर से मैं, माइक्रोमीटर से मैं आई बी बेस करंट रीड करता जाता हूँ, और फिर उसको ग्राफ बनाए, तो हमें ऐसे टाइप का ग्राफ मिलेगा, जो कि हमें ऐसा मिलना भी चाहिए था क्योंकि हमने यहाँ पे डायोड को फॉरवर्ड बायस किया है, तो हमें ये फॉरवर्ड बायस जैसा ही ग्राफ मिल रहा है। अगर हम ये वाली वोल्टेज को फर्दर और आगे बढ़ा दें, पहले 4 वोल्ट ली, अब 10 वोल्ट ले लिया, फिक्स कर दिया, कोई भी वैल्यू इसकी फिक्स कर दी, तो अब हमें सेम वोल्टेज के लिए हम देख रहे हैं, इसमें हमें आई बी वाला ग्राफ हमें ऐसा मिलने लगेगा। तो ये ग्राफ हमें याद रखना है, इसको हम इनपुट करेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनपुट सर्किट में जो करंट है और वोल्टेज है, करंट और वोल्टेज के बीच का ग्राफ है, इसलिए इसका नाम इनपुट करेक्टरिस्टिक्स है, और इससे ही हम इनपुट रेजिस्टेंस निकालते हैं। इनपुट रेजिस्टेंस आर इनपुट, जो कि है पोटेंशियल डिफरेंस, अपॉन चेंज इन करंट। तो चेंज इन करंट कैसे लेंगे हम, कोई भी अगर हमने यहाँ पे 2 पॉइंट ले लिए सपोज, ये हमने 2 पॉइंट ले लिए, तो इनके बीच का ये जो डिफरेंस हुआ, ये हमें डेल्टा आई भी देगा, और ये जो हॉरिजेंटल वाला डिफरेंस है ये
ये हमें डेल्टा वी ई दे रहा है ये, और ये जो वर्टिकल है ये डेल्टा आई भी दे रहा है, तो इनका रेशियो लेके हमें इनपुट करेक्ट इनपुट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे वी अपॉन आई की जगह। अब हमें डेल्टा अपॉन डेल्टा लेना है, दोनों का डिफरेंस लेना है, और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा क्योंकि ये इस जहां भी लेंगे हम थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाएगा, तो इसमें स्लाइड चेंज आता रहेगा, ये डिपेंड करेगा हम कहाँ पे ले रहे हैं उसके हिसाब से इसमें स्लाइड चेंज आता रहेगा। इसको हम इनपुट करेक्टरिस्टिक ग्राफ कहते हैं, और ये रेजिस्टेंस को हम इनपुट रेजिस्टेंस कहते हैं। तो पहले यहां तक देखो, यहां तक कोई डिफिकल्टी है तो मुझे बताओ। अब मैं आगे जा रहा हूं, इसी तरह आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स देखें जरा, उसमें पहले ग्राफ बना लूं। यहाँ पे हम जो आउटपुट में था वोल्टेज करंट एमिटर के बीच वाली, वो वोल्टेज लेते हैं, यहाँ पे हम आईसी कलेक्टर करंट लेते हैं, तो हमें ऐसे टाइप के ग्राफ मिलते आएंगे इसमें। ये आई बी की डिफरेंट वैल्यूज हैं, इसको मान लो 10 है, 10 माइक्रो एम्पियर, 20 माइक्रो एम्पियर, ऐसे ही आई बी की डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट ग्राफ आएंगे। ये आई सी है, तो इसमें ऐसे हमारे 3 जोन्स आ जाते हैं। ये 3 जोन है, 1 जोन, ये सेकंड जोन, और ये बीच वाला ये थर्ड जोन। तो इस वाले को हम कट ऑफ जोन कहते हैं, फर्स्ट वाले को, ये जो शेडेड रीजन है इसे हम कट ऑफ जोन कहते हैं। और इसको हम सेचुरेशन जोन कहते हैं। और जो इनके बीच में बचा उसको हम एक्टिव स्टेट कहते हैं या एक्टिव रीजन कहते हैं। और इसे मिलाकर हम आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये डिफरेंट आईबीज हैं, ये सब आईबी हैं। आईबी की वैल्यू यानी बेस करंट की वैल्यू हमने फिक्स कर दी, ये सब आईबीज हैं, तो आईबी की वैल्यू हम फिक्स कर दें, और कलेक्टर एमिटर वोल्टेज उसको इंक्रीज करते जाएं, तो उसके साथ हमारा जो कलेक्टर करंट है ये ऐसे वेरी करता है। तो इसमें इनपुट सर्किट हमारा फॉरवर्ड बायस है और आउटपुट सर्किट रिवर्स बायस है, तब हमें ये वाले ग्राफ मिलते हैं।
जब आई भी जीरो है, दोनों रिवर्स बायस है, तो हमें ये वाला ग्राफ मिलता है, यानी इनपुट सर्किट भी रिवर्स बायस है और आउटपुट सर्किट भी रिवर्स बायस है, तो हमें ये वाला जोन मिलता है जिसे हम कट ऑफ जोन कहते हैं। और जब दोनों जोन फॉरवर्ड बायस है, इनपुट वाला भी फॉरवर्ड बायस है, आउटपुट वाला भी, ये याद रखना है, इसलिए हमें ये थोड़ा सा हमें लर्न करना पड़ेगा। तो इसको हम सेचुरेशन जोन कहते हैं, जब हमारा इनपुट सर्किट भी फॉरवर्ड बायस है और आउटपुट वाला भी फॉरवर्ड बायस है, तो ये सेचुरेशन जोन कहलाता है। इसमें, इस जोन में देख रहे हैं, करंट हमारा आईसी करंट तेजी से इंक्रीज होता है, इसलिए सेचुरेशन जोन है। और एम्पलीफायर की तरह जब ट्रांजिस्टर वर्क करेगा, ये वो एक्टिव जोन है, ये नॉर्मल जोन है। तो हम अगर ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह यूज करना चाहते हैं, तो हम जैसे अभी हमने किया, इनपुट सर्किट फॉरवर्ड बायस और आउटपुट सर्किट रिवर्स बायस, तो इस जोन में वर्क करेगा। तो ये कलेक्टर करंट और वोल्टेज जो कलेक्टर एमिटर के बीच में, उसके बीच के ग्राफ को हम आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स ग्राफ कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमें जैसा करंट आईसी करंट चाहिए, उस तरह से हम इसमें से चूज कर लेते हैं कि हमें आईबी कितनी रखनी है, उस पर हमें कितनी आईसी करंट मिलेगी इसके अकॉर्डिंग। तो ये थोड़ा हमें लर्न करना है, ये हमें लर्न करना है। एक ग्राफ जल्दी से और बना देता हूँ, तो हमारे ये करेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। बस 1-2 मिनट की और बात है, फिर आपकी क्लास ओवर हो जाएगी। थोड़ा और मेरे साथ पेशेंस रखनी है। आईबी और आईसी के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, आईबी और आईसी के बीच में, उसे हम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। इसको हम और इसमें हम क्या करते हैं, वी सी ई फिक्स कर देते हैं, तो हमें ये ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। वी सी हम कांस्टेंट कर देते हैं, तो जैसे जैसे आई बी बढ़ाते जाएंगे, देख रहे हैं हमें आई सी भी बढ़ता जा रहा है। तो ये इसकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है, जिसको कि हम यूज करते हैं, एम्पलीफायर में भी हम इसका यूज करते हैं। तो ये कॉमन एमिटर एनपीएन जंक्शन के लिए हमें ऐसे ग्राफ मिलते हैं, ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये तीनों ग्राफ अगर हमें याद रहते हैं, तो इन सबको मिलाकर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ कहते हैं। इससे हमें स्टडी करने में हेल्प मिलती है। और अगर हम इतना भी याद रखें, तो भी हमें न्यूमेरिकल अच्छा होगा कि जब आई बी को इंक्रीज करते हैं, तो हमारा आई सी भी इंक्रीज होता है एक्टिव रीजन में, ये एक्टिव रीजन में होता है। तो ये आपका ट्रांजिस्टर का एक मेजर पोर्शन इससे कंप्लीट हो गया। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आप खुद ट्राई कर सकते हैं, कोई डिफिकल्टी हो तो बाद में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपका ट्रांजिस्टर कंप्लीट कर दिया है, इसके न्यूमेरिकल के आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अल्फा बीटा के मैंने फॉर्मूले दिए हैं इसमें, बाकी और कुछ फॉर्मूले डायनेमिक रेजिस्टेंस सिमिलर हैं, जैसे हमने डायोड में किया, तो उस तरह से हम डायनेमिक रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, और रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल लेंगे तो हम उसे ट्रांस कंडक्टेंस कहते हैं। तो आप जो भी रेफरेंस बुक यूज कर रहे हैं, उसमें ये सब फॉर्मूले गिवन है, थोड़ा सा और स्टडी करेंगे तो आप इसको यूज कर पाएंगे। तो आज हम अपनी क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं एक बार सर से डिस्कस करके फिर देखते हैं आपकी आगे की क्लास कैसे रखनी है। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स, गुड बाय नमस्ते सर। जी, गुड बाय।